हेलो गाइज, वेलकम टू द एजी मीडिया न्यूज। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा हॉट टॉयज। तो ये बेसिकली हांगकांग की कंपनी है जो कि अपकमिंग मूवीज के टॉयज रिलीज करती है जो कि रियलिस्टिक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन के न्यू आर्ट के बारे में, जिसमें कि न्यू शील्ड की एनर्जी काफी भर के दिखाई है। और आप जो रिसेंट में टॉयज देख रहे हो, तो ये हॉट टॉयज रिलीज करती है दो प्रकार के टॉयज। एक तो बच्चों के लिए जो कि बच्चे खेले और उन्हें तोड़ के फेंक भी थे, और कुछ टॉयज मार्वल के ऐसे लॉन्च करे हैं हॉट टॉयज ने जो कि कलेक्टेबल होते हैं, जो कि आपने मेरी वीडियो के इंट्रो में देखे, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज, थैनोस, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, स्टार लॉर्ड, ब्लैक पैंथर और ब्लैक विडो। जी हाँ, तो ये ऐसे टॉयज हैं जो कि बच्चों के लिए बनाए गए हैं। बस इसके बाद जो आप टॉयज देखने वाले हो वो कलेक्टर के लिए बनाए जाते हैं। एक बेसिकली आयरन मैन का जो हॉट टॉयज का एक कलेक्टर आता है वो आता है 5,000 का। अगर आप उसे 10 साल बाद बेचोगे तो वो बनना बंद हो जाएंगे इसी साल में, और उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि 5,000 का एक टॉय 60,000 का बिकेगा। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है जो कि मार्वल के बिगेस्ट फैन है। तो ये टॉयज काफी महंगे भी आते हैं, बट फ्यूचर में काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हॉट टॉयज में हमारा गॉटलैंड, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक है। देन उसके बाद कैप्टन अमेरिका का, जो कि उनकी शील्ड और उनकी डिटेलिंग वर्क देखिए आप बिल्कुल अच्छा होगा। उसके बाद थैनोस ग्लव्स पहनता होगा और लाइट भी जल रही है इन्फिनिटी स्टोन्स में, तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक होते हैं। देन उसके बाद थॉर, तो थॉर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सब कह रहे थे इसमें आई पैच लगाओ, तो एक्चुअल में आई पैच इसलिए लगा हुआ है, ये पहले पार्ट का टॉयज है ना कि सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में उसकी आंख वापस आ जाएगी। उसके बाद ग्रूट, रॉकेट, आयरन मैन, काफी सारे ये रियलिस्टिक एकदम होते हैं। आप अगर इन्हें खरीदना चाहते हो तो मैं इनके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके बाद एक जैकेट भी लॉन्च करी गई जो कि टी शर्ट है भूलन की, काफी बढ़िया। अब उसके बाद बात करते हैं आयरन मैन के आर्मर की, तो ये आर्मर काफी यूनिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे अभी जो अपडेट मिला है कि आयरन मैन का हाथ इसमें टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तभी ब्लेंडिंग एज आर्मर टोनी स्टार्क बनाता है। इसलिए इसमें ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि आयरन मैन के हाथ में जो ब्लास्टर है वो एक वेपन में कन्वर्ट हो चुका है। जी हाँ, वो अपने एक वेपन को यूज कर सकता है। अगर इसमें एक हाथ होता तो वो इस तरीके से इसे बंदूक नहीं बनाता। तो यार देखते हैं कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हमें आयरन मैन का हाथ टूटता हुआ मिलेगा या नहीं, क्योंकि अब तक ज्यादा हर किसी मूवी में हम देख चुके हैं ऐसा। तो देखते हैं क्या होगा। अगर आपको ये टॉयज खरीदने हैं तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर इंडिया में लॉन्च होने के बाद। तो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर लेक्टर के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।